ये सब चेंजेस कब हो गई पता ही नहीं चला. दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर सम ग्रेट चेंजेस दैट हैव हैपेंड विद आल्स राइटिंग टास्क टू. इनके ऊपर फोकस कीजिए और इन्हीं के बेसिस पर स्कोरिंग आ रहे हैं. जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो इन्हीं के ऊपर हैवली फोकस कर रहे हैं. जब उनके लास्ट टाइम स्कोरिंग नहीं आई थी तो जब उनके ऐसे चेकिंग से पता लगा कि दीज पीपल आर मिसिंग आउट दीज पॉइंट्स, मैजिक होने वाला है और इन्हीं पॉइंट को समझ लें. दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन 2022 जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है. नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बैठने से पहले इन चीजों के ऊपर फोकस जरूर करके चलें. लेट्स डू दिस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप शुरू में फर्स्ट लाइन को देखोगे, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में से लिया गया. अगेन सेइंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आर अवेलेबल. ऑफलाइन हर टाइम अवेलेबल रहती है और जो ऑनलाइन क्लासेस है उनकी डेट हर मंथ की 15 को शुरू होती है और एडमिशंस ऑलमोस्ट 5 से लेकर 15 के बीच में शुरू हो जाती है. अगर आप पहले नंबर पर लाइन चेक करोगे, तीन चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है आपके लिए और अगर आप उनको फॉलो करते हो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्कोरिंग आने वाली है. तो इसको आप बाइबल मानकर चल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहते हैं ना कि एवरीथिंग नीडेड टू स्कोर एडवांस स्कोरिंग ऑफ 7 दैट्स गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर पैसेज. बहुत अच्छा पैसेज लिखने के बावजूद भी स्टिल दिस एस इज नॉट गेटिंग द स्कोरिंग. तो मैं रीजंस बताऊंगा और उन चीजों को अगर आप चेंज करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्कोरिंग आएगी. देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो ये वाली मेड अप लाइन यूज की है, दिस इज नॉट गुड फॉर अस. ऑल्दो जो लाइन है वो बहुत अच्छी यूज की हुई है बट यहां तक चलने की जरूरत नहीं थी. अगर आप बहुत अच्छी स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको फिलअप वर्ड्स की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेड अप लाइंस को यूज मत करें. फॉर अप टू बैंड स्कोरिंग ऑफ 6 दैट इज परफेक्टली फाइन. हालांकि इस चीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, हर एक इंस्टीट्यूट हर एक टीचर आपको ऑलरेडी बता रहे होंगे बट स्टिल दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू करूं और फिर आपको बड़े स्केल के ऊपर लेकर चलूं कि कौन सी चीजें आपको जरूरी चाहिए. दूसरे नंबर पर क्या हुआ है कि जो थीसिस है, थीसिस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंडेटरी हो चुका है. अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो, डज नॉट मैटर द टाइप ऑफ एसे यू आर राइटिंग, इट कुड बी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यूज, यू मस्ट हैव अ थीसिस दैट इज रिटन विद अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से मैं आपको दो रेकमेंड करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल्दो वाइल्ड इन दोनों के में से आपको यूज कर सकते हो, दूसरे वाला नॉट ओनली बट आल्सो वाला स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसे. हालांकि जब मैं टीच करवाता हूं तो किस क्वेश्चन टाइप में कौन सा रहेगा वो मैं आपको रेकमेंड कर देता होता हूं बट स्टिल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. एल्विट का यूज मत करें, ऑल्दो के लिए यूज होता है बट दिस थिंग इज नॉट रिकमेंड इन दिस केस. बहुत अच्छा ऐसे लिखा था बट जस्ट ऑल्दो लिखने की वजह से, एल्विट लिखने की वजह से, इसकी वजह अगर ऑल्दो आ जाता इट वुड हैव बीन मच बेटर. नेक्स्ट चलिए, चलो इस टाइप की मिस्टेक ऑन दी वन हैंड वगैरह की हो जाती हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे नंबर पर जो चेंज हुआ दैट इज टू रिप्रेजेंट एग्जांपल्स. आप कहोगे कि एग्जांपल्स ऑलरेडी जो होती हैं हम यूज करते हैं बट एग्जांपल्स हैव बिकम मैंडेटरी नाउअडेज. एग्जांपल्स इतनी ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं आपको लिखने कि आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में एटलीस्ट एक एग्जांपल, बॉडी पैराग्राफ 2 में एक और एग्जांपल चाहिए. इट डज नॉट मैटर हाउ गुड योर इंग्लिश इज. If there is no evidence, if there is no example, then this is not going to work. और most important चीज, survey वगैरह वाले example की scoring बहुत कम रहती है. Up to 6.5, that is fine. जितने भी मेरे students रहे हैं, जिन्होंने वो वाले example लिखे, जो कि मुझे लगता था कि 7 के ऊपर वर्दी रहेंगे, but जब मैंने उनकी checking की, तो उन्होंने इस type के चीजों को लिखा. For example, जैसे यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छी examples दी है. देखिए एक चीज और इन्होंने एग्जांपल देने की कोशिश की है. दिस इज अबाउट इंग्लिश बिकमिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज. जो इंग्लिश है वो दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनती जा रही है. दिस इज गोइंग टू बी द ओनली लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. तो उसके बेसिस पर इन्होंने एक अच्छी जो एग्जाम्पल दी है, दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव. देखिए बहुत अच्छी एंड रिसर्च बेस्ड एग्जाम्पल दी है. आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल, दिस थिंग इज नॉट नीडेड. तो आप सिंपली रिसर्च से शुरू कर सकते थे. कनेक्टेड बाई वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म Council showed $240 billion were generated by Indian tourism in 2018. तो थोड़ी सी clarity नहीं है इसमें. Okay? अगर मैं check करूँ तो English की वजह से, tourism की वजह से, तो वहाँ से ये चीज़ generate हुई थी. So tourism वगैरह में वो कुछ चीज़ों को highlight करना चाहते हैं. So English language spoken से इन्होंने relate करने की कोशिश की. Example बहुत अच्छी है but still थोड़ा सा English के साथ, English becoming the most prominent language, उसके साथ relate नहीं हो पा रहा है. Okay? So simply what this person was trying to say
कि अगर टूरिज्म ज्यादा होगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज एक बन जाएगी, सारी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाएगी, तो ट्रैवल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से। और पिछले साल इंडिया ने इतने बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, और अगर सिर्फ एक लैंग्वेज हो जाए तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे जो कि लैंग्वेज दिक्कतों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज व्हाट द पर्सन वाज ट्राइंग टू से। बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ, दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। और आपको सर्वे वगैरह वाली एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजबूरी में उस एग्जाम्पल को देना है, अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, अगर मैं और भी आपको एग्जाम्पल्स दूँ, इन्होंने काफी अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉडी पैराग्राफ टू की शुरुआत में भी इन्होंने काफी अच्छा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किया, अगेन दैट इज फ्रॉम माई टेम्पलेट। तो चेक करते हैं यहाँ पर, इन्होंने और एग्जाम्पल दी थी। सो दिस नाउ दिस पर्सन इज टॉकिंग ऑफ द नेगेटिव्स। एन आर्टिकल वॉज पब्लिश बाई ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एथनोग्राफी इन 1998, विच रिवील्ड, आना चाहिए था थोड़े बहुत, चलो यहाँ पर मिस्टेक है, विच रिवील्ड दैट देर अबाउट 68 आउट ऑफ 108 लैंग्वेज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ बाय द ऑफ बॉडी टर्म्स के साथ आता है इंग्लिश एज कॉमन लैंग्वेज। दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल। तो आप चेक कर रहे हो कि सेवन बैंड नाउ अ डेज इज लाइक अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोरिंग, और सेवन बैंड को हासिल करना आजकल डिफरेंटली अचीवेबल है, बट थोड़ी सी चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। दैट इज टू गिव मोर एग्जाम्पल्स, और सिंपल टाइप की एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए। दीज चेंजेस आर मैंडेटरी नाउ अ डेज, दीज चेंजेस आर हैपनिंग अ लॉट। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु हैव गॉट अ बैंड स्कोरिंग ऑफ सेवन और मोर देन दैट फ्रॉम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, दे आर हेवली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग देयर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफरेंटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विच इज ग्रेट, बट अदर देन दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो तीन चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप यूजिंग मेड अप लाइंस, व्हिच आर दिस लाइंस आर नॉट वेरी यूजफुल टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। एंड द सेकंड वन इज दैट यू नीड टू फोकस हेवली ऑन एग्जांपल्स, एब्सोल्युटली मैंडेटरी। मैजिक हो जाएगा, मैजिक, अगर आप इन चीजों को यूज करोगे मैजिक हो जाने वाला है पक्का। आगे चलते हैं फिर, उसके बाद थर्ड नंबर पर मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जरूरी है, थीसिस में एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेवन बैंड के स्टूडेंट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए दिस हैज बिकम मैंडेटरी। होपफुली इससे आपको इनसाइट मिल गई होगी, और इनको यूज करके आप अच्छी स्कोरिंग कर लो। थैंक यू सो मच।